अलवर के प्रिपगॉम बेबी आईवीएफ सेंटर पर आई एक महिला ने सेंटर संचालक डॉक्टर पंकज गुप्ता पर कोख का सौदा पैसे में करने और बाद में एड निकालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर में एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के सामने महिला पेश हुई और महिला का मामला कोतवाली थाना पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सेंटर संचालक आरोपों को झूठा बता रहा है। ये पूरा मामला आखिर क्या है, रिपोर्ट देखिए। प्रिपगॉम आईबीएफ सेंटर का बिग गेम, कोक का सौदा करने के गंभीर आरोप, सैरोगेट मदर के बदले लाखों का कारोबार, महिला को पैसों का लालच देकर बनाया बंधक। इनसे मिलिए, इनका नाम है डॉक्टर पंकज गुप्ता और यही अलवर में प्रिपगॉम बेबी आईबीएफ सेंटर का संचालन करते हैं। इन्हीं महाशय पर कोक का सौदा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। झारखंड की महिला ने डॉक्टर पंकज गुप्ता पर सैरोगेट मदर बनने के लिए पैसों का लालच देने के आरोप लगाए हैं। तीन बार कोशिश करने पर जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसके शरीर से एग भी चोरी कर लिए। महिला को बंधक बनाकर भी रखा गया और अब पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता महिला का आरोप है कि फोन पर बात करने के बाद अलवर आई थी, डॉक्टर पंकज गुप्ता ने सरोगेट मदर बनने के बदले 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। अस्पताल में रहने लगी, 3 बार प्रेग्नेंट करने की कोशिश फेल हो गई तो डॉक्टर ने उसके शरीर से एग निकाल लिए। महिला का आरोप है कि जब तबीयत खराब हुई तो स्टाफ ने ही बताया कि ऐसा दर्द एग निकालने के बाद होता है। महिला का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जयपुर में महिला का मेडिकल कराया गया है। अस्पताल के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए हैं और मामले की जांच में जुटी है। सौदा यही हुआ था कि अगर मैं 9 महीना बच्चा कोख में रखती हूँ तो मुझे को 3 लाख रुपए लोग देंगे और मैं बच्चा देके अपने घर चली जाऊंगी वापस। पर अभी बच्चा रुका नहीं है, 2-3 बार ट्राई किया गया और तीसरा बार में क्या किए कि बिना बताए मेरे से एग निकाल लिया मेरे शरीर से। तो मामला ये है, एक महिला ने डॉक्टर के खिलाफ सरोगेसी के संबंधित धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसको सुसंगत धाराओं में दर्ज करके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। झारखंड से पीड़िता महिला अगस्त 2023 में अलवर आई थी, उसके बाद करीब 22,000 रुपए डॉक्टर से लेना कबूल किया है। फर्स्ट इंडिया ने आरोपी चिकित्सक से पक्ष जाना तो आरोपी डॉक्टर पंकज गुप्ता का कहना है कि महिला काम मांगने आई थी, 5,000 रुपए महीने के हिसाब से सफाई का काम दिया था, लेकिन अब गलत आरोप लगा रही है। अस्पताल में रहने के सवाल पर कहते हैं कि मांगे जाने पर ऊपर खाली पड़ा कमरा रहने को दिया था। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने सैरोगेसी के लिए अपनाई जाने वाली एसओपी का हवाला दिया और कहा कि सब रिकॉर्ड चिकित्सा विभाग और पुलिस ने जब्त किया है, जांच में कुछ भी गलत निकलता है तो वो कार्रवाई को तैयार है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया बंधक बनाने का, कैमरे हमारे लगे पड़े हैं, अगर बंधक बनाएंगे तो कैमरों में आते जाते दिखेंगे नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेगी ना, फिर क्यों दिख रही है? वो दिख रही है तो कैसे को बंधक बना सकता है? जब पहली बात ही उनकी झूठ है बंधक बनाने की, बाकी बात कैसे सच हो सकती है? अलवर में मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, आरोपी डॉक्टर कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ा है, महिला खुद को असहाय बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। कई मामलों में ये भी सामने आ रहा है कि आईबीएफ के नाम पर निसंतान दंपतियों को विदेशों में बच्चे का लिंग परीक्षण कराया जाता रहा है, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत देश में गैर कानूनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक एग डोनेशन में करीब 8% महिलाओं की मौत हो जाती है। जरूरत से ज्यादा एग डोनेट करने वाली महिला को परेशानी हो सकती है। प्रिपगॉम बेबी आईपीएफ सेंटर के संचालक पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मेडिकल जांच और बयान ले लिया है, सीसीटीवी वीडियो भी जब्त किया है, लेकिन पुलिस के लिए ये जरूरी है कि मामले की गंभीरता से जांच करते हुए उन तथ्यों की भी जांच करे जिसमें महिला अन्य लड़कियों की डिमांड का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।